तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में आज हम जिस एनिमे सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे, इस एनिमे सीरीज का नाम है द ड्यूक ऑफ डेथ एंड इस मेड। तो इस कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम होता है ड्यूक। बचपन में एक विच ने इसे श्राप दिया होता है जिसके कारण ये जिस भी चीज़ को छूता है वो चीज़ मर जाता है, जिसके कारण जो इसके फैमिली के जो लोग होते हैं वो इसे रहने के लिए एक बड़े से महल में भेज देते हैं, जहाँ पे ये और इसका एक बटलर रहता है जिसका नाम होता है रॉब, और इसके साथ इसकी एक मेड होती है जिसका नाम होता है एलिस। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो ड्यूक होता है वो गार्डन में बैठा हुआ होता है और जो एलिस होती है वो उसके लिए खाना ले आती है, जिसके बाद जो ड्यूक होता है वो कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगता है कि मैं तुम्हें अगर टच करूँगा तो तुम मर जाओगे, लेकिन जो एलिस होती है वो उसको सीरियसली नहीं लेती है और फिर वो ड्यूक को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो एलिस होती है वो एक कुकीज को अपने मुंह में लेती है और फिर वो ड्यूक को दे देती है, और तब जो ड्यूक होता है वो बहुत ज़्यादा शर्माया लगता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो ड्यूक होता है वो एक झूले पे बैठा हुआ होता है और तब वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है कि किस तरीके से एक विक्स ने इसे एक कर्ज दिया होता है, जिसके बाद कि ये थोड़ा थोड़ा बातों को भूल गया होता है, और फिर जैसे ही इसका ध्यान भटक जाता है ये एक पेड़ को टच कर लेता है, जिसके बाद ये जो पेड़ होता है ये गिर जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जो ड्यूक है ये गिर जाता है, और तब हम देखते हैं कि तब वहाँ पे एलिस आती है और फिर कहती है कि क्या तुम ठीक हो, और इसके रिप्लाई में जो ड्यूक होता है वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और तब हम देखते हैं कि जो ड्यूक होता है वो एलिस के बारे में सोच रहा होता है, और तब जो एलिस होती है वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करता है, और ये देखने के बाद जो ड्यूक होता है वो कहता है कि अगर तुम मेरे करीब आओगे तो तुम मर जाओगे, लेकिन जो एलिस होती है वो इसको सीरियसली नहीं लेती है और फिर वो ड्यूक के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है, जिसके बाद जो ड्यूक होता है वो बहुत ज़्यादा शर्माया लगता है और फिर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन को देखते हैं जहाँ पे जो एलिस होती है वो ड्यूक के लिए खाना ले आती है, और इसके बाद जो एलिस होती है वो ड्यूक को कहती है कि तुम इतना कम खाना क्यों खाते हो, और तब जो ड्यूक होती है वो कहता है कि बचपन में मैं जब अपने फैमिली के साथ खाना खाता था तब मैं बहुत ही ज़्यादा दूर बैठता था, इसके कारण मैं थोड़ा कम खाता हूँ, लेकिन अब से मैं पहले से थोड़ा ज़्यादा खाने लगा हूँ। और ये सुनने के बाद जो एलिस होती है वो थोड़ा खुश होती है और जाते जाते कहती है कि मैंने सुना है कि कल तुम्हारा फ्रेंड फिलिप्स यहाँ पर आने वाला है, और तब ये सुनने के बाद जो ड्यूक होता है वो कहता है हाँ वो कल आने वाला है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे जो ड्यूक होता है वो रेडी होके फिलिप्स का इंतज़ार करता है, और हम देखते हैं कि जो फिलिप्स होता है वो वहाँ पे जब पहुँच जाता है तब ड्यूक के साथ बातें करने लगता है, और हम देखते हैं कि जो ड्यूक होता है वो जब फिलिप्स के करीब जाने लगता है तब उसके बॉडीगार्ड उसे रोक देते हैं, जिसके कारण जो ड्यूक होता है उसे थोड़ा बैड लगता है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं ये सारे लोग एक जगह पर बैठे हुए होते हैं, और तब जो ड्यूक होता है वो कहता है कि फिलिप्स तुम मुझसे क्या चाहते हो, तब फिलिप्स कहता है कि मैं तो बस तुम्हें देखने के लिए यहाँ पे आया था, और हम देखते हैं कि वहाँ का जो फ्लावर पॉट है वो जब गिर रहा होता है तब ड्यूक से पकड़ लेता है, जिसके बाद जो फिलिप्स होता है वो डर जाता है क्योंकि जो फ्लावर पॉट होता है उसका जो पौधा होता है वो डेड हो गया होता है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो फिलिप्स होता है वो एलिस को कहती है कि रेस्ट रूम कहाँ पे है, तब जो एलिस होती है वो उसे रेस्ट रूम पे लेती है, और फिर जाते जाते हम देखते हैं कि जो फिलिप्स होता है वो एलिस को कहती है मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें यहाँ पे रहना चाहिए, क्या तुम मेरे साथ टाउन पे जाना चाहते हो, और तब वहाँ पे ड्यूक पहुँच जाता है, जिसके बाद जो ड्यूक होता है वो फिलिप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें एलिस को ये सब बोलना नहीं चाहिए था, और तब फिलिप्स कहता है कि मुझे कोई शौक नहीं है कि यहाँ पे आने का, तुम्हारे मदर ने मुझे कहा था कि मुझे तुम्हें देखना है कि तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद फिलिप्स जाते आते ड्यूक को कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम अपने मदर के सक्सेसर बन पाओगे, तुम्हारा जो भाई है वही असली में एक सक्सेसर बन पाएगा, और फिर वो चला जाता है, जिसके बाद कि हम ड्यूक को देखते हैं वो थोड़ा सैड होता है, और तब जो एलिस होती है वो ड्यूक को कहती है क्या तुम ठीक हो, और तब ड्यूक कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, चलो आज का जो खाना है उसको खाने का समय हो चुका है, और फिर ये दोनों वहाँ पर चले जाते हैं। एलिस को पता होता है कि ये बातें सुनने के बाद जो ड्यूक है उसका दिल थोड़ा टूट गया है। इसके अगले सीन में हम ड्यूक को देखते हैं जो कि एक जगह पे बैठा हुआ होता है, और फिर वो सोचता है कि एलिस क्या मुझे पसंद करती है, और तब अचानक से वहाँ पे एलिस पहुँच जाती है और कहती है कि तुम्हारा खाना अभी रेडी हो चुका है तुम चलो, और फिर हम देखते हैं कि जो ड्यूक होता है वो एलिस को कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता है कि
ये सही टाइम है बोलने का, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को टच करता हूँ तो वो चीज़ मर जाती है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और तब जो एलिस होती है वो स्माइल करते हुए रिप्लाई करती है, मुझे लगता है कि आपको कर्ज के बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत है, क्योंकि हम दोनों मिलके इस कर्ज को तोड़ देंगे, मुझे यही लगता है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ड्यूक का जो मदर होती है उसे ये बात पता चल गई होती है कि जो ड्यूक है वो अभी भी ठीक नहीं हुआ होता है, जिससे कि वो थोड़ी सैड होती है। और फिर यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जो एलिस होती है वो ड्यूक के लिए खाना ले आती है, और तब जो ड्यूक होता है वो एलिस को कहता है कि आज का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा है। और तब एलिस कहती है कि मैं हमेशा ही सही चाहती हूँ कि हर रोज़ तुम्हारे लिए इतना अच्छा खाना बना सकूँ। और ये सुनने के बाद जो ड्यूक होता है वो थोड़ा खुश होता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन को देखते हैं जहाँ पे जो एलिस और ड्यूक बात कर रहे होते हैं, तब वहाँ पे उनका बटलर वहाँ पे पहुँच जाता है और फिर कहता है कि मेरे कंधे का जो दर्द है वो ठीक हो चुका है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो उनका बटलर होता है वो बहुत सारे काम को कर रहा होता है। और तब ड्यूक कहता है कि इस टाइम पे जब मेरे पास एक कर्ज है जिससे कि मैं जिस भी चीज़ को टच करूँगा तो वो चीज़ मर जाएगी, इस टाइम पे एलिस तुम और मेरा जो बटलर है तुम दोनों मेरे पास हो, जिससे कि मुझे थोड़ी खुशी मिलती है। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि इनका जो बटलर होता है वो ड्यूक के लिए एक चाय को ले आता है, जिसके बाद जो ड्यूक होता है वो उस चाय को पीने के बाद कहता है कि चाय बहुत ज़्यादा अच्छी है। और फिर हम देखते हैं कि जो एलिस होती है वो ड्यूक को थोड़ा सेड्यूस करती है, और ये देखने के बाद जो ड्यूक होता है वो थोड़ा एम्ब्रेस्ड फील करता है। और इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो ड्यूक होता है वो जब अपने रूम पे चल रहा होता है, तब हम देखते हैं वहाँ उसका बटलर पहुँच जाता है और वो उसे टच करने वाला होता है, तब ड्यूक हट जाता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम जो टच करोगे तो तुम मार सकते हो। और हम जानते हैं कि जो बटलर होता है ये बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया होता है, जिसके कारण ये उतना कुछ देख नहीं पा रहा होता है अपनी आँखों की मदद से। और तब हम देखते हैं इसके बटलर के पीठ पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। इसके बाद हम ड्यूक को देखते हैं जो कि अपने रूम पे पियानो को जब बजा रहा होता है, तब वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है कि जब वो एकदम से छोटा था तब वो पियानो को भी तब से बजाता है। और हम देखते हैं वहाँ पे अचानक से वहाँ पे एलिस आती है, जिसको देखने के बाद जो ड्यूक होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब जो एलिस होती है वो कहती है कि मैं यहाँ पे बस चीज़ों को क्लीन करने के लिए आई हूँ। और इसके बाद जो एलिस होती है वो चीज़ों को क्लीन करती है, लेकिन जो और ड्यूक होता है वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और तब जो ड्यूक होता है वो कहता है कि एलिस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास में बैठो। और इसके बाद ड्यूक एक पियानो को बजाने लगता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था, जिसको सुनने के बाद जो एलिस होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और थोड़ा शर्माती है। जिसके बाद जो ड्यूक होता है वो कहता है कि मैंने अभी जो पियानो का भी बजाया है ये स्पेशल से तुम्हारे लिए ही मैंने बजाया है। और इसके बाद जो ड्यूक होता है वो कहता है कि जब खाना हो जाए तब तुम मुझे बोल सकती हो। ये बोलते ही वो वहाँ पे सो जाता है। और तब एलिस ड्यूक को किस करने के लिए आती है और एकदम एंड टाइमिंग पे और रुक जाती है और फिर चली जाती है, जिसके बाद कि ड्यूक बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है और फिर कहता है कि पता नहीं ये एलिस अचानक से इसे क्या हो जाता है, मेरे साथ ये सारी चीज़ें को क्यों करती है। इसके बाद हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे जो ड्यूक का जो बहन होती है वायोला वो उसके मेंशन पे पहुँच जाती है, और हम देखते हैं कि जो ड्यूक होता है वो वायोला को कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और तब जो वायोला होती है वो उसके बातें को इग्नोर करते हुए वो वहाँ पे बैठ जाती है, जिसके बाद जो एलिस होती है वो उसके लिए चाय ले आती है, जिसके बाद जो वायोला होती है वो उसके चाय को पीती है। इसके कुछ देर बाद जो एलिस होती है वो वायोला को एक केक देती है, जिसको खाने के बाद जो वायोला बहुत ज़्यादा खुश होती है। और फिर हम देखते हैं कि जो वायोला होती है वो अपने भाई को कहता है कि क्या तुम एलिस को पसंद करती हो। और ये सुनने के बाद जो ड्यूक होता है वो कहता है, मतलब वो ठीक तरीके से कह नहीं पाता है और थोड़ा शर्माता है, जिसको देखते ही जो वायोला है वो समझ जाती है कि जो उसका भाई है वो उस लड़की को मतलब एलिस को पसंद करता है। और तब जो वायोला होती है अपने भाई के साथ बात कर रही होती है, तब वायोला कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपना टोपी को थोड़ा नीचे की ओर पहनना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे आंखों में एक डार्क सर्कल है। और तब जो ड्यूक होता है अपने टोपी को नीचे की ओर खींच रहा होता है।
इसके कुछ देर बाद जो भायला होती है वो कहती है कि मेरी मॉम को नहीं पता है कि मैं तुम्हारे इस मेंशन में हूँ। इसके कुछ देर बाद जब भायला को लगता है कि उसके घर जाने का टाइम हो चुका है, वो अपने घर के लिए जाने लगती है। तब हम देखते हैं वो अचानक से ही उसके बटलर के साथ टक्कर हो जाता है, मतलब रॉब से। इसके बाद हम देखते हैं कि जो भायला होती है वो रॉब को पसंद करती है, इसीलिए वो जाते आते बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद हमें रात के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे जो ड्यूक होता है, जब वो अपने पियानो रूम में जा रहा होता है तब उसके रास्ते के सामने एक बिल्ली आ जाती है। ये देखने के बाद जो ड्यूक होता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है, और हम देखते हैं कि वो बिल्ली एलिस के साथ खेल रही होती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो बिल्ली ड्यूक को देखने के बाद उसकी ओर भागने लगता है, जिसके बाद जो ड्यूक होता है वो भी फिर भागने लगता है। इसके कुछ देर बाद जब रॉब वहाँ पे आ जाता है, उसे पता चल गया होता है कि जो बिल्ली है और ड्यूक के जो एक पेंडेंट है जिसको उसने पहना होता है उसके पीछे ही होती है। और फिर हम देखते हैं कि जो उस बिल्ली है उसके पास एक मैसेज होता है जिस पे लिखा हुआ होता है कि प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर देना। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो ड्यूक होता है वो अपने बेल्कनी में पहुंच जाता है, और फिर वो जब मून को देखता है तब उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और तब उसी टाइम पे वहाँ पे एलिस भी वहाँ पे पहुंच जाती है, और तब जो ड्यूक होता है वो एलिस को कहती है कि रॉब ने मुझे एक बार बताया था कि मेरे जो ग्रैंडफादर है उन्होंने तुम्हारे मॉम के साथ एक बार इस जगह पे एक साथ डांस किया था। और इसके बाद ड्यूक कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहते हो। इसके रिप्लाई में जो एलिस होती है वो कहती है कि मैं भी तुमसे डांस करना चाहता हूँ, और फिर ये दोनों डांस करने लगते हैं। इन दोनों का डांस जब कंप्लीट हो जाता है तब जो ड्यूक होता है वो एलिस को कहता है तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, और तब जो एलिस होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और ये सुनने के बाद जो ड्यूक होता है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर जो ड्यूक और एलिस होते हैं ये एक साथ एक गेम को खेल रहे होते हैं, जहाँ पे जो रॉब होता है उस गेम के रूल को बताया जाता है कि जो बंदा इस गेम पे हारेगा वो दूसरे बंदे की एक विश को पूरा करेगा। और हम देखते हैं कि ये दोनों जैसे ही ये गेम खेलते हैं, जो ड्यूक होता है वो अच्छी तरीके से जीत रहा होता है, लेकिन एकदम लास्ट में उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और जो एलिस होती है वो जीत जाती है। जिसके बाद जो एलिस होती है और ड्यूक को कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरा जो विश है उसे पूरा करना चाहिए, और तब जो ड्यूक होता है वो थोड़ा शॉक होता है। और इसके बाद जो एलिस होती है वो कहती है कि मेरा विश है कि मैं तुम्हारे साथ टाउन पर घूमना चाहता हूँ, और ये सुनने के बाद जो ड्यूक होता है वो इस पर एग्री करता है। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो ड्यूक और एलिस होते हैं ये गार्डन पे होते हैं। तब जो ड्यूक होता है वो एलिस को कहता है कि तुम्हें टाउन पर क्यों जाना है। तब इसके रिप्लाई पे एलिस कहती है मुझे टाउन पे जाना है क्योंकि टाउन पे एक फेस्टिवल है इसलिए। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो ड्यूक और जो एलिस होते हैं ये दोनों रेडी होते हैं, और जो ड्यूक होता है उसने एक भारी भरकम ड्रेसेस को पहना होता है। इसके कुछ देर बाद जैसे ही ये दोनों इस टाउन के अंदर जाते हैं, हम देखते हैं कि जो ड्यूक होता है वो अचानक से ही गिर जाता है, लेकिन जो एलिस होती है वो आगे की ओर जा रही होती है, जिसके कारण एलिस कुछ देर बाद नोटिस करती है कि जो ड्यूक है वो कहीं पे गायब हो चुका है। तब जो एलिस होती है और ड्यूक को ढूंढने लगती है, लेकिन तब अचानक से ही एक मास्क पहनी हुई एक औरत उसे पकड़ लेती है और फिर कहती है कि तुम्हारा नाम क्या सेरोन है, और तब एलिस समझ जाती है कि ये मेरे मम्मी के बारे में पूछ रही है। तब जो औरत होती है वो कहती है ओ तो तुम एलिस हो उसकी बेटी, और तब एलिस पूछती है कि तुम हो कौन। तब जो वाइट ड्रेसेस पहनी वाली जो औरत होती है वो कहती है कि मैं कोई नहीं हूँ, और ये बोलती है वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम ड्यूक को देखते हैं जो कि एलिस को ढूंढ रहा होता है, और तब वो देखता है कि एक बच्चा रास्ता भटक चुका है। तब वो उस बच्चे को एक जगह पर लेखता है जहाँ पर एक पियानो होता है, और वो पियानो को बजाने लगता है, जिसके कारण जो बाकी जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश होते हैं। और हम देखते हैं कि जो ड्यूक है वो भी ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है, और इस बच्चे की जो मदर होती है वो भी इसे ढूंढ लेती है। और तब ड्यूक कहता है कि मुझे एलिस को ढूंढना चाहिए, और तभी अचानक से ही वहाँ पे एलिस उसे ढूंढ लेती है और बोलती है कि हाँ मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। इसके बाद हमें सनसेट के टाइम को दिखाया जाता है जहाँ पे जो
एलिस होती है वो कहती है कि हमें शहर से जाना चाहिए। तब जो ड्यूक होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ और देर तक रहना चाहिए। इसके बाद हमें रात के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे जो एलिस और ड्यूक होते हैं ये एक जगह पे होते हैं, और जो ड्यूक है वो थोड़ा अपसेट होता है क्योंकि वो कहता है कि मैं एक ऐसी डेट पे आया हूँ जहाँ पे मैं तुम्हें टच ही नहीं कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद एलिस कहती है कि मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है क्योंकि जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसके कुछ देर बाद ये दोनों अपने मेंशन पे पहुंच जाते हैं, और तब जो ड्यूक होता है उसके हाथ पे एक नोट होता है जिसपे एलिस ने कहा होता है अगर आपको सोने में दिक्कत है तो आप मेरे हाउस पे आ सकते हैं। और जब ड्यूक एलिस के घर पे पहुंच जाता है तब वो देखता है कि एलिस बिना कपड़ों का होती है। ये देखने के बाद जो ड्यूक होता है ये बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है और कहता है कि जल्दी से तुम अपने कपड़े पहन लो। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो एलिस होती है उसने अपने कपड़े पहन लिए होते हैं, और तब वो ड्यूक को पीने के लिए एक चाय ऑफर करती है। जिसके बाद जो ड्यूक होता है वो ऐसी चीज़ें को देख लेता है जिसके बाद इसके जो दिमाग है वो सटक जाता है। और इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो एलिस होती है वो ड्यूक को सुला देती है, और तब जो ड्यूक होता है वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि कल के रात के टाइम तुम मेरे साथ घूमने चलोगे। और ये सुनने के बाद जो एलिस होती है वो इस पर एग्री करती है। इसके बाद हमें अगले दिन के रात के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे जो ड्यूक और एलिस ये एक लेक के बीचों बीच होते हैं, और तब ड्यूक अपने मन में सोचने लगता है कि जब मीटियोर शावर होगी तब ये एलिस को प्रपोज करेगा। और हम देखते हैं कि तब अचानक से एक हवा का झोंका आता है और ड्यूक का जो हेड है वो गिरने लगता है, लेकिन तब एलिस इसके हेड को पकड़ लेती है जिसके कारण वो पानी में गिर जाती है। और तब ड्यूक एलिस को उठाने की कोशिश करता है लेकिन उठा नहीं पाता है क्योंकि अगर वो एलिस को टच करेगा तो उसकी जान खतरे में हो सकती है। तब एलिस कहती है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे किस करो। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ड्यूक होता है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करेगा क्योंकि अगर वो किस करेगा तो एलिस मर सकती है। और हम देखते हैं कि अचानक से जो एलिस होती है वो बोट को घुमा देती है जिसके कारण जो ड्यूक होता है वो गिर जाता है। और हम जानते हैं कि जो एलिस होती है वो ड्यूक के साथ मजाक कर रही होती है। जिसके कुछ देर बाद ये दोनों जब उस लेक से बाहर आते हैं तब जो ड्यूक होता है वो थोड़ा सैड होता है क्योंकि उसने सोचा होता है कि जब मीटियोर शावर होगा तब वो एलिस को प्रपोज करेगा, लेकिन वैसा तो नहीं हुआ है। इसके बाद ड्यूक और एलिस अपने मेंशन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये दोनों अपने बॉडी को गर्म कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि जो एलिस होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि अगले 10 साल बाद हमें फिर से उस मीटियोर शावर को देखने जाना होगा। और तब ड्यूक सोचता है क्या अगले 10 साल तक तुम मेरे साथ रहोगे एलिस।